हेलो एवरीवन, वेलकम गाइस, स्वागत करती हूँ आप सभी का। इसमें देखेंगे आपके पार्टनर आज देर रात क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, थॉट्स क्या है, क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या वो देर रात आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। जब आप उनको याद कर रहे हो, उनको मिस कर रहे हो, क्या वो आपको कर रहे हैं इस वक्त याद, चले देखते हैं आज देर रात उनकी फीलिंग्स क्या है। तो फोकस खुद पर बना कर रखिए, उन पर बना कर रखिए, अपने पार्टनर पर फोकस बना कर रखिए, साथ में यूनिवर्स से प्रेज ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आज देर रात, इनके पार्टनर इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है इनके पार्टनर की फीलिंग्स और थॉट्स। ओके, ये इस रिश्ते पर वर्क करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं इस रिश्ते पर, इस कनेक्शन पर, ये व्यक्ति इस कनेक्शन को, रिश्ते को एक चांस देना चाहते हैं, एक मौका देना चाहते हैं आपको, या आपसे इनको चांस चाहिए, मौका चाहिए, चाहते हैं कि आप दोनों मिलकर वर्क करो, एक मौका दो इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को, ठीक है। तो ये मुझे दिखाई दे रही है, आप दोनों के बीच फैमिली इशू भी हो सकता है, फैमिली इशू है, मदर इशू है, फैमिली में कुछ ना कुछ इशू हो सकता है इनके साइड से, आपके साइड से, या दोनों के साइड से। तो ये व्यक्ति वहाँ पर ज़रूर हील करना चाहते हैं, ठीक है। फैमिली इशू हो रही है, उसमें हीलिंग ज़रूर चाहिए इनको, चाहते हैं कि आप दोनों मिलकर एफर्ट्स करो, एफर्ट्स पुट करो जिससे हील हो जाए। और क्या है इनकी फीलिंग्स, यूनिवर्स बताएं मुझे आज देर रात और क्या कुछ सोच रहे हैं। काफ़ी अट्रैक्टेड मुझे दिखाई दे रहे हैं, वैसे तो पूरे के पूरे फिदा ही हैं आपके पार्टनर, मैं देख पाती हूँ, फैंटेसाइज करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये व्यक्ति मुझे रोमांटिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, रोमांटिकली थॉट्स क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जब आप इनकी बाहों में होंगे या जब ये आपकी बाहों में होंगे तो क्या मैजिकल मोमेंट होगा। वो कोई एक यहाँ पर शाई नेचर का हो सकता है, या तो आप हो या तो ये हैं, ठीक है। तो आपका शाइनेस इनको बहुत पसंद है, ये तो ये काफ़ी शाई नेचर की है। जब आप इनके सामने आते हो, आई कांटेक्ट नहीं कर पाते, ऐसा हो सकता है आपको देखकर शर्माना, थोड़ा सा हिचकिचाना, ये ना एक अलग ही पर्सन बन जाते हैं आपके सामने, ठीक है। काफ़ी कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, बिल्कुल काफ़ी स्ट्रांग हो सकते हैं, पर जब आपके सामने आते हैं एक अलग ही पर्सन बन जाते हैं। यूनिवर्स बताएं मुझे इनके पार्टनर की फीलिंग्स और क्या है आज देर रात और क्या कुछ सोच रहे हैं। ट्रस्ट, ओके, आप दोनों को भरोसा करने की ज़रूरत है, ये भरोसा कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं। आई थिंक एंगेजमेंट आप चाहते हो या ये चाहते हैं, ये इनको भरोसा है, ये जो कनेक्शन है वो आगे ज़रूर बढ़ेगा, ठीक है। आप दोनों का कनेक्शन है वो ग्रो ज़रूर करेगा, आप दोनों का एंगेजमेंट हो चुका है, ऐसा कुछ हो सकता है, तो इनको भरोसा है, ठीक है। इनको भरोसा है एंगेजमेंट होगी, आपका कनेक्शन ग्रो करेगा, ऑलरेडी इंगेज्ड हो सकते एक दूसरे के साथ, या तो इनको भरोसा है आगे बढ़ेगी ये जो कनेक्शन है। आपका भरोसा चाहिए, आप पर भरोसा करना चाहते हैं, इस रिश्ते पर भरोसा करना चाहते हैं कि ये जो कनेक्शन है ज़रूर आगे बढ़ेगी, ठीक है। ये आपसे प्रॉमिस करना चाहते हैं कि आपसे सगाई करेंगे, इन्होंने किया है आपसे कुछ प्रॉमिस तो निभाएंगे ज़रूर, ये आपसे किसी तरह का प्रॉमिस चाहिए इनको, ये चाहते हैं कि आप भरोसा करो आगे ज़रूर बढ़ेगी। हो सकता है कि आप दोनों ने रिंग एक्सचेंज किया है, या आपको इन्होंने कुछ रिंग पहनाया है, आपने इनको पहनाया है, तो चाहते हैं कि भरोसा होना चाहिए आपके रिश्ते में, ठीक है। आपको भरोसा करना चाहिए, मैं ऐसा देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए इन्होंने किसी को आपके पीछे लगा रखा है, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये तो उनका हेल्प ले जा रही है, ठीक है। उनके साथ आ सकते हैं आपके घर, आपसे मीटिंग करने, या जहाँ पर भी आप हो, मुझे ना किसी का हेल्प लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं ये, या तो आपके फ्रेंड, किसी का हेल्प ज़रूर ले जा रही है यहाँ पर।
चाहे फैमिली को मनाना हो, फैमिली से बात करना हो, या आपसे बात करना हो, आपसे मीटिंग करना हो, पर किसी का हेल्प ली जा रही है, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं आज देर रात इनके पार्टनर और क्या कुछ सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर, इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं। रिलीज योर एक्स। क्या आपकी लाइफ में कोई एक्स थे, जिनके लाइफ में थे, अगर आपका कोई एक्स था तो ये चाहते हैं कि आप रिलीज कर दो, आप लेट गो करो, वहाँ से आप वहाँ से निकलो, आप सिर्फ इन पर ध्यान दो, इन पर फोकस बनाओ, ये चाहते हैं। जब ये आपके लाइफ में है, जब आप इनके साथ हो, तो सिर्फ इनके बारे में सोचो, आप अपने मन में अपने दिल में थोड़ी सी भी जगह अपने एक्स को ना दो। कभी ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन हो रही है, आप अपने एक्स को ला रहे हो इनको जेलस फील कराने के लिए, तो इनको बिल्कुल पसंद नहीं है वो चीज़। जब कम्युनिकेट हो रही है या आपको जेलसी ही फील कराना है, तो कोई और तरीके से आप कर रहा हो, बिल्कुल ये काफ़ी जेलस हो जाते हैं अगर आप ऐसा कुछ करते हो। आपका कोई एक्स थे तो इनको बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको आप दोनों के बीच लाना, ठीक है। अगर आप लाते हो तो ये नहीं चाहते कि आप उनको लाओ, आप वहाँ से लेट गो करो, उनको भूल जाओ और बस इनको याद रखो, इनके बारे में सोचो, ठीक है। और ये कहना चाहते हैं कि आप पर ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, पर ये नहीं चाहते कि अपने मन में आप अपने एक्स को जगह दो, ठीक है। ये इतना ज़रूर चाहते हैं कि आप वहाँ से लेट गो करो, आगे बढ़ो इनके साथ, अगर आपके पास्ट में कोई रहे हैं तो। और अगर इनका कोई एक्स वगैरह रहे हैं तो व्यक्ति चाहते हैं आपसे कि आप भरोसा करो, ये आपके साथ आगे बढ़ कर रहेंगे, आप भरोसा कर सकते हो। ये अपने एक्स को रिलीज़ कर रहे हैं या कर दिया है इन्होंने, ठीक है। अब अपने एक्स को आप दोनों के बीच नहीं लाएंगे, कभी लाया था या बाहर नहीं निकले थे तो निकल रहे हैं, ये तो निकल चुके हैं, आप भरोसा कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो। हो सकता है कि किसी के साथ सीरियस रिलेशनशिप में थे आपके पार्टनर, या किसी के साथ एंगेजमेंट फिक्स हो गई थी इनके, वहाँ टूट गया, कुछ ऐसा हो सकता है, फिर आप दोनों साथ में आए, तो अब आप भरोसा कर सकते हो, ये सिर्फ आपके हैं, ठीक है। ये क्लियर है आपको लेकर। मैं ऐसा देख पा रही हूँ ना कुछ लोगों के लिए, अगर इनको ट्रस्ट इशू था, पर इनको आप पर ज़रूर भरोसा है। अगर इनका पास्ट रिलेशनशिप ख़राब रहा है किसी के साथ, इनको इतना ज़रूर यकीन है कि आप इनके पास्ट की तरह इनको हर्ट नहीं पहुँचाओगे, इनको हर्ट नहीं करोगे, इनको भरोसा है आप पर। यूनिवर्स बताएं मुझे इनके पार्टनर की फीलिंग्स और क्या है, आज देर रात और क्या कुछ सोच रहे हैं। फ्लर्ट फ्लर्ट करना चाहते हैं आपके साथ। ये चाहते हैं कि आप इनके साथ फ्लर्ट करो, ठीक है। और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में, कभी आप दोनों ने किया था ऐसा तो उस मोमेंट को याद करके काफ़ी एक्साइटेड फील कर रहे हैं कि मुझे और करना है, मुझे चाहिए ये, अभी क्यों नहीं हमारे रिश्ते में ये होना चाहिए। कुछ लोग लिए मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ, आपका एक्स आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है, वापस आपके साथ कनेक्शन में आना चाहता है, या आपसे फ्लर्ट करना चाहता है, या चाहती है, ठीक है। और वो किसी का हेल्प ले रहा है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे, गैदर कर रहा है आपका एक्स पार्टनर। यूनिवर्स बताएं मुझे इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, आज देर रात इनके पार्टनर और क्या कुछ सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स को, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स हैं इनके पार्टनर। न्यू लव, ओके। ये पर्सन चाहते हैं आप दोनों के बीच नए तरीके से चीज़ें स्टार्ट होनी चाहिए, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, ये सब कुछ नयापन चाहते हैं आपके रिश्ते में, ठीक है। ऐसा चाहते हैं कि जो भी पास्ट में हुआ है आप दोनों के बीच, उसको भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं। आप दोनों के बीच ट्रस्ट इशू था, आप दोनों के बीच
मन मुटाव था, आप दोनों के बीच हार्ट ब्रेक्स हुआ है, ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, या बात नहीं बनी है, बात आगे नहीं बढ़ी है। कुछ लोग लिए ऐसा भी हो सकता है कि इंगेजमेंट होने वाली थी या हो रखा था पर टूट गई, ऐसा भी हो सकता है। तो ये व्यक्ति अब आपके साथ नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, नए तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ, अगर राइट नाउ आप सिंगल हो, आपकी लाइफ में न्यू लव आ रहा है या आ रही है, ठीक है। एक रोमांटिक पार्टनर आपके लाइफ में एंट्री कर रहे हैं जो आपके साथ फ्लर्ट करेंगे, जिनके साथ